स्थित आगरा के सभी विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य संगठनों से जुड़े हुए हमारे प्रबुद्धजन, उपस्थित भाइयों बहनों, आज अयोध्या के आज यहाँ पे आगरा के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद के साथ ही लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आगरा के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ ही आप सभी जनता जनार्दन और प्रबुद्ध जनों का हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज आगरा अपनी पौराणिक पहचान को फिर से स्थापित कर रहा है और आज इस पौराणिक पहचान को आगे बढ़ाने के लिए ही एक बार फिर से मैं आपके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। राजनीति अविश्वास का प्रतीक थी, देश के अंदर अराजकता थी और लोगों के मन में देश की राजनीति के प्रति अविश्वास का ये भाव अराजकता को जन्म दे रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए आप सबको प्रसन्नता हो रही है कि देश के अंदर एक विश्वास का माहौल पैदा हुआ है। भारत एक बार फिर से दुनिया के अंदर जिस रूप में आगे बढ़ रहा है, देश की आजादी का अमृत महोत्सव उसका उदाहरण है। जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो आपने देखा होगा वैश्विक मंच पर भारत किस धमाकेदार तरीके से भारत का उदय हुआ है, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि जो ब्रिटेन 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। दुनिया के 20वें बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, उन 20 बड़े देशों का अगले एक वर्ष तक नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ी सौगात भारत को दूसरी नहीं मिल सकती थी और इसलिए भाइयों बहनों, हर भारतवासी को भारत की इस उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और ऐसे ही आगरा के साथ भी जुड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, आगरा 2017 के पहले सबसे गंदे शहरों में से गिना जाता था और प्रदूषण इस कदर था कि सुप्रीम कोर्ट को सभी उद्योग बंद करने पड़े थे, कोई नया निर्माण नहीं होने दिया था, अव्यवस्था और अराजकता को जन्म नहीं देने दिया गया था। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को बढ़ावा देने के लिए उस समय सुप्रीम कोर्ट को तत्कालीन सरकार को बैन कर तमाम प्रकार की कानूनी पाबंदी लगानी पड़ी थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बदलती हुई इस तस्वीर को देखा है। आगरा आज स्मार्ट सिटी के रूप में निम्न नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आगरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधा, मेट्रो का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और अगले एक वर्ष के अंदर हम आगरा वासियों को मेट्रो की सुविधा देने जा रहे हैं। आगरा के वासियों को मिलने वाली मेट्रो की सुविधा आगरा को एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़ाएगा। भाइयों बहनों, आगरा के अंदर ही आप देखते थे इससे पहले कोई कार्य होता था तो कार्य करने के पीछे की मंशा किस कदर होती थी। यहाँ पर म्यूजियम के कार्य के नाम पर जो तमाशा बनाया गया था, आज भी मानसिकता बदली नहीं, मुगल म्यूजियम बनाया जा रहा था। हमने कहा भी आगरा को मुगल की नहीं बल्कि आगरा को छत्रपति शिवाजी महाराज की आवश्यकता है और आगरा के इस म्यूजियम को भी हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर समर्पित किया है। भाइयों बहनों, आगरा किसी पहचान को आगे बढ़ाते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के पॉल्यूशन की समस्या को ध्यान में रखा,
आगे बढ़ाया तो भाइयों बहनों उन स्थितियों में हम लोगों ने तय किया है कि आप आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए जितने भी उद्योग लगेंगे उसमें आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र को हम प्राथमिकता देंगे। यहाँ उद्योग लगेंगे, हजारों नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा और उसके माध्यम से आगरा को एक बार फिर से आगे बढ़ने और यहाँ पर रोजगार के नई सुविधाओं को आगे बढ़ने की कार्रवाई को भी एक नया मंच मिलेगा। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार न केवल विकास के लिए बल्कि आम जन की सुविधा के लिए भी पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। आगरा प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के अंदर नंबर एक पर है। पहले क्या शहरी क्षेत्र में गरीबों को आवास मिल पाते थे, स्ट्रीट वेंडर पटरी व्यवसायियों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन भाइयों बहनों अब पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को भी सुविधा मिल रही है। कोई सोचता था पहले कि गरीब को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिलेंगे, कोई सोचता था गरीब को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिलेंगे, कोई सोचता था गरीब को फ्री में शौचालय मिलेगा, कोई सोचता था कि विपत्ति के समय सरकार आपके साथ खड़ी होगी, जैसे कोविड कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और भाइयों बहनों फ्री में हर गरीब को महीने में दो दो बार राशन की सुविधा जो उस समय दी गई थी, यह सरकार की संवेदनशीलता को ही प्रमाणित करता है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आज एयर कनेक्टिविटी यहाँ की हुई है, मैं भी आ रहा था। देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए आज